प्रभुंकर महानामर धन्य हो। प्रभु आम अनुग्रह करी ऑनलाइन माध्यम रे तांकरी प्रशंसा गौरव करिवार सुजोग देइछन्दि। तेणु मु विशेष परमेश्वर को धन्यवाद देउछि, जेहेतु विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य परमेश्वर एपर्यंत आमको सुरक्षित भाव रखिछन्दि। आउ सेथिपाई मध्य मु परमेश्वर को धन्यवाद देउछि। आउ ए समय रे चौद्वार ओडिया बाप्टिस्ट मंडळी रो समस्त साधुवृंद भक्त प्रभुंकर दास दासी पुओ झी मानू आज ऑनलाइन उपासना को स्वागत करूँ। उपस्थित मंडल समस्त सभ्य सभ्या मानू पुओ झी मानू आज पवित्र दिवस मु मोर निजर हार्दिक अभिनंदन सह प्रत्येक नमस्कार जनाऊँ। नमस्कार, आसतु प्रार्थना करी आज उपासना को आरंभ करने प्रार्थना करवा। स्वर्ग मर्त पाताल सृष्टिकर्ता जीवंत पिता परमेश्वर, आम तुम आश्चर्य महानामर धन्यवाद करुछु। अनुग्रह कर ए मुहूर्त पर्यंत जगत रे जीवित मानक मध्यरे मानक नामस्थान देइछ। तुमर विविध दया करुणा हेतु आम ए जगत रे बंची अछु। आमर कौन सी उत्तमता धार्मिकता पवित्रता नथिले मध्य तुम दया करुणा आम प्रति रखीछ, सेथिपाई धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु, वर्तमान आज ऑनलाइन उपासना को आम आरंभ करने जाऊ। प्रारंभ रु शेष पर्यंत तुम पवित्र उपस्थिति द्वारा आम को तुम्हें परिचालित कर। आज वक्ता श्रोता प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। आज उपासना को तुम्हें नियंत्रण कर। उपासन केन्द्र बिंदु तुम्हें रुह। प्रिय प्रभु, तुम उपस्थिति आम प्रत्येक जमंत अनुभव करू। से अनुग्रह तुम्हें दान कर। शेष आज समस्त कार्यक्रम को तुम स्तर को समर्पण कर प्रभु जी श्रीकृष्णक नाम प्रार्थना करीत आमे। वर्तमान आज प्रसंग आम पाठ करने पाइबे प्रथम वंशावली पुस्तक तार चारि पर्व 9 और 10 पद आम पाठ करवा। प्रथम वंशावली पुस्तक तार चारि पर्व 9 और 10 पद पाठ करवा। देखते लेखा अच्छी पुणी जावेश आपणा भातृगण अपेक्षा अधिक संभ्रांत थिला। ताहर माता ताहर नाम जावेश रखिथिला, कारण से कहुथिला आम्भे दुख रेहा को प्रसव कलु। मात्र ए जावेश इस्राएल परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करी कहिला, आहा एहा जेपरी आम्भ दुखर कारण न हुए, एथिपाय तुम्भे आम्भ को नितांत आशीर्वाद कर ओ आम्भ सीमा वृद्धि कर व तुम्ह हस्त आम्भर सहाय हेउ। पुणी तुम्हे आम्भ को मंदर रक्षा कर, तैरे परमेश्वर ताहार निवेदित विषय ताहा को प्रदान कले। प्रभु आज पठित अंश श्रवण रे विशेष मान को आशीर्वाद करंतु आमेन। आसंतु ए समय रे गीत माध्यम रे परमेश्वर गौरव करिबा। तबे ए समय रे दान संग्रह करा जिबा। मंडली प्रत्येक परिवार को अनुरोध करी आपण पर गृह मध्य गोटे पात्र दान संग्रह कर रखु। आउ मंडली तरफ जो मोबाइल नंबर आपण मान को दि जाए से मोबाइल नंबर मंडली सहित जोजोग करतु। मंडली आपण से दान संग्रह करे एवं मंडली आपण मानक निम्ते प्रार्थना उत्सर्ग करे। तबे इस समय रे गोटे भक्तिमूलक गीत गान करी प्रभुंकर गौरव करिबा।
जेसु नाम भल लागे मते जेसु नाम जेसु नाम भल पाए जाकु मोर प्राण नीति खोजे जीसु नाम भल लागे मते जीसु नाम जीसु नाम भल लागे
ভাল লাগে মতে যেসু নাম যেসু নাম ভাল লাগে মতে যেসু নাম যেসু নাম আসন্তু বর্তমান সংগৃহীত দান নিমন্তে মণ্ডলী মতন অনেক অসুস্থ অছন্তি সেমানক নিমন্তে মণ্ডলী ভাই এবং আজির বাক্য এবং বক্তাঙ্ক নিমন্তে মধ্যে প্রার্থনা উৎসর করিবা প্রার্থনা করিবা। পরম ধন্য পূজ্য পিতা, আমি তোমার আশ্চর্য মহান আমার ধন্যবাদ করুছু, তোমার গৌরব প্রশংসা বন্দনা করু করু। মণ্ডলীর অনেক পরিবার, তাঙ্ক পরিবার মধ্যে সেমানে দান সংগ্রহ করে রাখিছন্তি, সেই সংগৃহীত দানকু তোম হস্তরে মু সমর্পণ করুছি, হস্তর্পণ করি আশীর্বাদ কর, আও সেই দানকু তোম রাজ্যর বিস্তারিত নিমন্তে তুমি ব্যবহার কর। সেইপরি মণ্ডলী মধ্যে অনেক অসুস্থ অছন্তি, বিশেষ আমানকর পূর্বতন দিকন এডি মহান এডি মহান্তিক সহধর্মণী সে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন্তি। হে প্রভু সদাপ্রভু পরমেশ্বর, তাঙ্কু মু তোম হস্তরে সমর্পণ করুছি, তুমি স্পর্শ করি সুস্থতা দান কর, যেপরি সে আরোগ্যতা লাভ করিবে অনুগ্রহ কর, তাঙ্ক পরিবারকু মধ্যে আশীর্বাদ কর। সেইপরি মণ্ডলীর সহসম্পাদক পূর্ণচন্দ্র স্বাইঙ্কু তোম হস্তরে সমর্পণ করুছি, পিতা তুমি তাঙ্কু স্পর্শ করি তাঙ্কর শয্যাকু তুমি পরিবর্তন কর, আও তুমি যে ভার তাঙ্কু দেইছ সে সুচারুরূপে পরিচালনা করিপারিবে সেই শক্তি মতো তাঙ্কু তুমি দান কর। সেইপরি শিশুপুত্র আহ্বানকু তুম হস্তরে মু সমর্পণ করুছি পিতা, সে মধ্য অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন্তি। হে প্রভু সদা প্রভু, তাঙ্ক শরীর মধ্যে যে রোগ রয়েছে তুমি তাহা জানিয়েছ, তুমি আপনার বাক্য পঠাই তাঙ্ক স্পর্শ করি আরোগ্যতা দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে তোমার ব্লড তাঙ্ক শরীর মধ্যে সঞ্চারণ হোক বলে তোম চরণ তলে মু প্রার্থনা করুছি। মণ্ডলী মধ্যে অনেক জড়াতরে অজড়াতরে অসুস্থ ব্যক্তি মানে অছন্তি, গোটি গোটি সেমানক নাম উল্লেখ করিয়া পূর্বরু প্রত্যেকঙ্কু তুমি জানিছ, তুমি আপনার বাক্য পঠাই প্রত্যেকঙ্কু স্পর্শ কর আরোগ্যতা দান কর। এবং মণ্ডলী মধ্যে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা পিতামাতা অছন্তি, আও সেমানক মধ্যে সুস্থ সবল করে তুমি সুরক্ষিত কর। মণ্ডলীর প্রত্যেক পরিবারকু তুমি আশীর্বাদ কর। জীবন্ত পিতা, কেবল যে চৌদ্দার মণ্ডলী পাই মু তাহা প্রার্থনা করছি তাহা নুহে, কটক জেলার যেতে মণ্ডলী রয়েছে, ওড়িশা মধ্যে ভারতবর্ষ মধ্যে যেতে মণ্ডলী রয়েছে, যেতে খ্রিস্টিয়ান সমাজ রয়েছে, সে প্রত্যেক খ্রিস্ট সমাজকে তুমি বহুল ভাবে আশীর্বাদ কর। এ লকডাউন সময়ে যেপরি প্রত্যেক তোমার নির্ভর করে বঞ্চবে অনুগ্রহ কর। হে জীবন্ত পিতা পরমেশ্বর, বর্তমান তোম দাস তোম জীবন্ত বাক্যরু সে প্রকাশ করিবে, তুমি তাঙ্কু ঊর্ধ্বরু শক্তি দান কর, এবং সে যেপরে তোম জীবন্ত বাক্যকে উত্তম ভাবে প্রকাশ করে অনেকঙ্কু অনুপ্রাণিত করে পারিবে সেই অনুগ্রহ তুমি দান কর। প্রিয় প্রভু, তুমি সমস্ত প্রার্থনা শুনিল ধন্যবাদ দে, যীশুঙ্ক নামে প্রার্থনা করি পিত, আমেন। বর্তমান পরমেশ্বরঙ্কর জীবন্ত বাক্যকে আমি শ্রবণ করিবা। প্রভু আমানকু অনুগ্রহ করে বর্তমানর পরিস্থিতি মধ্যে অনলাইন মাধ্যমে
परमेश्वरंकर वाक्य श्रवण करिया पाई सुजोग दउचंदी तेणु विशेष जो माने ऑनलाइन माध्यम शुणती से अनुरोध करी सब बेले परमेश्वरंकर वाक्य को श्रवण करिबा आत्मिक भाव में वृद्धि पाइबापी आम चेष्टा करिबा। तबे आजर प्रसंगर नाम हूँ एक छोट प्रार्थना आउ ये छोट प्रार्थना माध्यम आम देखु जावेश से प्रभु चरण तले से प्रार्थना करथिले आउ ये छोट प्रार्थन से पांचटी निर्दिष्ट विषय परमेश्वर को से कौन करथिले मागिथिले एवं जीशु मध्य गोटे निर्दिष्ट प्रार्थना विषय से दृष्टांत देथिले जहाँकि लोकलिखित सुसमाचार तार एगार पर्व पांच पद रु आठ पद भितर मध्यरात्र समय जड़े बंधु निकट को जाए जड़े लोक हे बंधु मत तीनोटी रोटी उधार दि एक प्रकार भाव से प्रार्थना करने विषय एक दृष्टांत जीशु कौन कर प्रकाश करते तेरे मोर प्रिय भाई भूण माने आज वाक्य एक गुरुत्व विषय मैंने देखिपर जावेश विषय यह स्थान उल्लेख कर आज प्रसंग जावेश माँ कष्ट से कौन कर गर्भर धारण करते तेणु माँ कौन करते जावेश नाम देते वाक्य लेखा अच्छे जावेश अपना भातृगण अपेक्षा अधिक संभ्रांत थे से जो ग्रेट मैन थे एवं जावेश जड़े लॉयर थे जड़े व्यवस्थापक थे आई से एक ज्ञानी व्यक्ति थे आम्रांत व्यक्ति थे प्रिय मन बंधुगण ताई प्रार्थनार आवश्यक आदा प्रभु निकट में पांचटी विषय नहीं से कौन करते प्रार्थना कर आज से पांचटी प्रार्थना विषय कह पूर्व मु गोटे प्रार्थना विषय आपण मान निकट प्रकाश करने चाहिए प्रथम तो से ईश्वर को निवेदन करते आशीर्वाद करने निमंत जावेश जब से प्रार्थना करमें मत नितांत आशीर्वाद कर आशीर्वाद विषय से परमेश्वर ठारे से कौन करते प्रार्थना करते जेहेतु मोर प्रिय बंधुगण आम जहा करू जदि से ईश्वर आशीर्वाद न थाए मूल्यहीन हो पड़े तेणु आम प्रत्येक कार्य ईश्वर आशीर्वाद नितांत आवश्यक रही तेणु जावेश से प्रार्थन प्रथम से प्रकाश करते नितांत आशीर्वाद कर प्रिय मोर बंधुगण ये आशीर्वाद कौन जे प्रत्येक लोक जेतेबेले से माने प्रार्थना करते प्रभु आशीर्वाद भिक्षा करते ईश्वर आशीर्वाद करतु ना यही प्रकार कहते ना सारा पृथ्वी सृष्टि आरंभ रु शेष पर्यंत जिते लोक प्रार्थना करुछंदी परमेश्वर आशीर्वाद भिक्षा कर आशीर्वाद कौन से आशीर्वाद विषय परमेश्वर मानते प्रार्थना कर मागंती बाइबल आउ एक उदाहरण रही मोर प्रिय बंधुगण आदि पुस्तक तार बतीस पर्व छब्बीस पद रे लेखा अच्छी अनंतर से पुरुष कहिले आंभ को छाड़ कारण प्रभात है तहु तो जाकुब कहिला तुम्हें मत आशीर्वाद न कले मु तुमको छाड़ी ना प्रिय मोर बंधुगण जाबक घाटे जाकुब एकाकी बस जत सन्देगला जड़े दूत आसी तांको सहित युद्ध कले युद्ध कलापर आम देखु प्रभात हो जाकुब छाड़ ना दूत कहले आंभ को छाड़ प्रभात है जाकुब कहते तुम्हें मत आशीर्वाद न कले मु तुमको छाड़ी
ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯାକୁବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ହୋଶେଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବର 3-4 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଗର୍ଭରେ ସେ ଆପଣା ଭ୍ରାତାର ପାଦମୂଳ ଧରିଲା ଓ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ହଁ, ସେ ଦୂତ ଉପରେ ବଳବାନ ହୋଇ ଜୟ କଲା। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କଲା। ସେ ବେଥେଲରେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କଲେ। ଯାକୁବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଲାଭ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଜାବେସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାକୁବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସୋଲୋମନକୁ, ସୋଲୋମନ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଅଛ, ମାଗ, ଆମେ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବା। ସୋଲୋମନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 12-14 ପଦ ଭିତରେ ସୋଲୋମନ ଯେ ବିଷୟ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୋଲୋମନକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସକଳ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ରାଜା ସେପରି ଜ୍ଞାନୀ, ସେପରି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥାଉ, ତେବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ବାଇବେଲରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 1-3 ପଦ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ତୁମେ ଆପଣା ଦେଶ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାଶର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହବ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ନିଜର ଦେଶ, ପୈତୃକ ଗୃହ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଦେଶ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖାଇଲେ ସେହି ଦେଶକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଅଛୁ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 28 ପର୍ବର 1-2 ପଦରେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ବର ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ତେବେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହବ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହବ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି,
से आज्ञा जो माने पालन करिवे परमेश्वर से मानू कोन करिवे आशीर्वाद करिवे एही पदरा माने देखि पारुछु एवं आपण द्वितीय विवरण पुस्तक तार 28 पर्व रे 1 रु 14 पद पर्यंत देखिवे सही स्थान रे समस्त प्रकार आशीर्वाद रो कथा लेखा अछि ईश्वरंकर आज्ञा पालन करबा द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद आमनक जीवन रे आमे लाभ करि थाउ आज ख्रीस्टियन जगत मध्य परमेश्वर वाक्य को पालन करवा देखा जाऊना मोर प्रिय बंधुगण जो मैंने परमेश्वर वाक्य को पालन करती आमण जीवन में ईश्वर आशीर्वाद को से कौन करती लाभ करते तृतीय कथा आपण मान निकट प्रकाश करी ईश्वर लोक मान समादर करने द्वारा ईश्वर आशीर्वाद मान जीवन में आसी था आम आदि पुस्तक तार 39 पर्व एक पद रु 5 पद पर्यंत जो पढ़ा से स्थान देखि पारछु मु विशेष 5 पद पढ़ी एही प्रकार से जोसेफ को अपना गृह व सर्वस्वर अध्यक्ष करने दिन ठार सदा प्रभु जोसेफ को लागि से मिश्रीय लोकर गृह उपरे आशीर्वाद कले पुणी गृह व क्षेत्रस्थित समस्त संपत्ति प्रति संपद प्रति सदा प्रभुंकर आशीर्वाद बर्तिला प्रिय मोर बंधुगण जोसेफ जाइकि मिसर देश रे फोर्टिफोर गृह मध्य से रहिले गृह मध्य जो रहिले बाइबल प्रकाश करे जोसेफ लागि से फोर्टिफोर परिवार को परमेश्वर कौन कले आशीर्वाद कले तार सर्वस्वरे आशीर्वाद कले जेहेतु फोर्टिफोर से जोसेफ को समादर कले जोसेफ को स्नेह कले जोसेफ को प्रेम कले तेणु जोसेफ लागि आम देखु से परिवार को आशीर्वाद आसला प्रिय मोर भाई बोन माने परमेश्वर को लोक मान को जो मैंने समादर करती आउ से मैंने आशीर्वाद प्राप्त हे तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहले माथ्यू पुस्तक तार 10 पर्व 42 पदरे मु तुम मान को सत्य कहूँ जो मैंने मोहर ये क्षुद्र मान को किणाए थंडा पा पीवा दिखती पुरस्कार रु के वंचित हे ना प्रिय मोर बंधुगण यह निराट सत्य परमेश्वर को लोक मान सेवा करवा द्वारा परमेश्वर को लोक मान भय करवा द्वारा परमेश्वर को लोक मान आतिथ्य करवा द्वारा परमेश्वर आशीर्वाद मान जीवन में आसी था मोर प्रिय बंधुगण तेणु तृतीय विषय मैंने देखु ईश्वर लोक मान समादर करवा द्वारा आशीर्वाद मान जीवन में प्रभु प्रदान करती चतुर्थ विषय आप निकट प्रकाश करने चाहिए ईश्वर वाक्य को समादर करने द्वारा परमेश्वर आशीर्वाद आम जीवन में आसी था ईश्वर वाक्य को जिते आम समादर करवा से सदा प्रभु कौन करती आम आशीर्वाद करती जहाँकि द्वितीय सामुएल पुस्तक 6 पर्व 12 पद देखु ए उतारे परमेश्वर सिंधुक सकाशु सदा प्रभु ओबेद इदमर परिवार को वो ताहार सर्वस्व को आशीर्वाद करी बोली दाऊद राजा को ज्ञात करागला तो दाऊद जाई ओबेद इदमर गृह आनंदपूर्वक परमेश्वर सिंधुक दाऊद नगर को आणले प्रिय मोर बंधुगण परमेश्वर सिंधुक ओबेद इदम गृह जिते रहा तीन मास पर्यंत परमेश्वर ओबेद इदम पर आशीर्वाद कले कहीं आशीर्वाद कले जेहेतु परमेश्वर सिंधुक को परमेश्वर शक्ति बोली लोक मैंने विश्वास करुले एवं से परमेश्वर सिंधुक मध्य तीनोटी विषय रोला एवरी पुस्तक 9 पर्व 4 पद जो आप देखिए से सिंधुक मान्ना रखा जाऊला महाजाजक हारण मंजरी जष्टि रखा जाऊला एवं दुई प्रस्तर फलक से स्थान रोला मान्ना दैनिक आहार को बुझाए ताश्वर वाक्य को बुझाए हारण मंजरती जष्टि यह ख्रीष्टर मृत्यु एवं पुनरुत्थान को बुझाए एवं से स्थान आम देखु 10 आज्ञार दुईट प्रस्तर फलक परमेश्वर नियम को कौन कर बुझा जाए तेरे मोर प्रिय भाई भाई जो परिवार परमेश्वर वाक्य को पालन करती परमेश्वर नियम को पालन करती समादर करती पद अनुसार परमेश्वर से परिवार को मध्य कौन करती आशीर्वाद करती ओबेद इदम गृह
नियम सिंधुक द्वारा से परिवार को परमेश्वर कौन कले आशीर्वाद कले से नुह पंचम विषय आपट प्रकाश करी दशमांश देवा द्वारा ईश्वर आशीर्वाद जीवन में आसी थाए मलाखि पुस्तक तीन रश पद आमने देखु से ही स्थान में परमेश्वर कहते आम्भ निकट को तुम्हें कण कर दशमांश आण आम आशीर्वाद वृष्टि वर्षाइबा कि नहीं एतत् विषय तुम्हें कण कर आम परीक्षा नि प्रिय मोर भाई बन माने विभिन्न कार्य जो परमेश्वर आम करू परमेश्वर आम जीवन में आशीर्वाद को से कण कर दिखती प्रथम विषय प्रार्थना करने द्वारा ईश्वर आशीर्वाद मानक जीवन में आम लाभ करपरिक जावेस प्रार्थना द्वारा ईश्वर को आशीर्वाद पाइले जाकुब प्रार्थना द्वारा ईश्वर आशीर्वाद पाइले सोलोमन प्रार्थना द्वारा ईश्वर को आशीर्वाद पाइले एपरी महान महान दास दासी मैंने प्रार्थना माध्यम ईश्वर को आशीर्वाद पाई से ईश्वर आज्ञा पालन करने द्वारा आम आशीर्वाद पाई से हीपरी ईश्वर को लोक मानक समादर करने द्वारा ईश्वर को आशीर्वाद आम पाई से हीपरी ईश्वर वाक्य को समादर करने द्वारा ईश्वर का आशीर्वाद पाई से हीपरी दशमांश देवा द्वारा ईश्वर को आशीर्वाद पाई एवं शेष गोटे कथा मुझे समाप्त करी ईश्वर को भय करने द्वारा परमेश्वर आशीर्वाद आम जीवन में आसी थाए आईब पुस्तक एक पर्व नौ दश पद से सतान परमेश्वर को कहते आईब कण कारण परमेश्वर को भय करूँ तुम्हें कौन तार सर्वस्वे तार चतुर्दिगर बाण देना तार संपत्ति में कौन तुम्हें आशीर्वाद करना तुम्हें आशीर्वाद करेतु आईवंकर संपत्ति देश में वृद्धि पाई आ बड़ लोक ही अच्छा प्रिय मोर भाई मैंने प्रभु को भय करने द्वारा ईश्वर आशीर्वाद आम जीवन में आसी थाए तेब आसतु जावेस जो भाव में प्रभु चरण तले से प्रार्थना कले हे प्रभु यह जेपर दुखर कारण न हो से मत तुम्हें कौन कर नितांत आशीर्वाद कर आशीर्वाद लाभ करने परमेश्वर निकट में प्रार्थना करवा परमेश्वर कार्य करवा आम जीवन में आशीर्वाद लाभ करवा ये क्रमश रखुची प्रभु चाहिए आउ चारोटी प्रार्थना उपर मुझे निकट में प्रकाश करने चाहिए प्रभु अल्प वाक्य आशीर्वाद करूँ आम प्रार्थना कर जीवंत प्रभु जीशु राजा पुनर्बार तुम महानाम धन्यवाद करुचु तुम वाक्य द्वारा मान को तुम्हें कथा कह आज वाक्य प्रत्येक अंतर को स्पर्श करू एवं प्रत्येक वाक्य अनुसार तुम्हारे निजक समर्पण करूँ बोली तुम चलत प्रार्थना करुच्छन मध्यम जो मैंने वाक्य शुणी से आशीर्वाद कर एवं मंडल प्रत्येक परिवार को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु अति सुंदर भाव में आज कार्य को समाधान करें तुम धन्यवाद करुच तुम्हें समस्त प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे जीशु नाम प्रार्थना कर पिता ईश्वर असीम प्रेम त्राणकर्ता पुत्र प्रभु जीशुख्रीष्ट दया एवं अनुग्रह पवित्र आत्मा चिरंतन प्रेम शांति सहभागिता विशेष आम्भ मान प्रति सदा सर्वदा संगे संगे बंतु पिता आमीन।